स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल ज्योमेट्री स्कूल डॉट इन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मैं डिंपल राणा, और आज आपके लिए लेके आई हूँ आपके नवोदय विद्यालय एग्जामिनेशन के लिए जनरल साइंस का प्रीमियम मॉक नंबर 3। यहाँ पर मैं आज आपको वापस से 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। आई होप आपने लास्ट 2 प्रीमियम मॉक्स को विजिट कर लिया होगा। किसी भी तरह का अगर डाउट आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल ये एग्जाम पैटर्न पर है और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये वीडियोस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इन वीडियोस को जरूर देख कर जाएं क्योंकि बाद में आपको रिग्रेट होगा कि काश हम ये क्वेश्चंस कर लेते तो हमारे जो है बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिले, तो काफी इन वीडियो से आपको हेल्प हो जाती। तो कोई भी वीडियो को बीच में ना छोड़े, वीडियो को पूरा देखें, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी ऑथेंटिक आंसर कीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले बनता है थोड़ा सा प्रमोशन। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें हमारे ज्योमेट्री स्कूल की, तो ये इंडिया का फर्स्ट एंट्रेंस ऐप के बेस हम तैयारी करा रहे हैं। इसमें आपको हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हैं या इसमें आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप हमारा ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी हम देते हैं जिसमें आप घर बैठे लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ऐप के बेस से आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे फॉर RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, UP सैनिक। सो स्टूडेंट, अगर हॉस्टल की फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 AM टू 5 PM डेली क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। जितना कंटेंट डेली पढ़ाया जाता है, 4 प्रैक्टिस उसके मिनिमम कंडक्ट किए जाते हैं। एवरी थर्सडे एंड संडे एग्जाम पैटर्न पर बेस महामॉक कंडक्ट किए जाते हैं। साथ ही आपके लिए आपके मेडिकल फिटनेस के लिए, आपके फिजिकल एक्सरसाइजेस के लिए स्पोर्ट्स रखे जाते हैं, और यहाँ पर इंटरव्यू की भी कंप्लीट प्रैक्टिस कराई जाती है बाय टेकिंग द मॉक इंटरव्यू। सबसे मेन है यहाँ पर फी, बहुत ही नॉमिनल फीस है। आप पर मंथ यहाँ पर फॉर स्टेशनरी, आपका सारा स्टेशनरी जितना भी आपका यहाँ पर ट्यूशन फीस सब कुछ इंक्लूडेड, आपको 10,000 पर मंथ आपको सबमिट करना होगा। आप मंथली बेस पर भी यहाँ फी सबमिट कर सकते हैं। साथ ही कोई भी एग्जाम हो, RMS, RIMC, सैनिक स्कूल, नवोदय, विद्याज्ञान, किसी के लिए भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं ज्योमेट्री स्कूल में बागपत में। ये हमारा हॉस्टल है, पेरेंट्स के साथ एक बार जरूर विजिट करें और एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करें जिससे हमें ये पता चल सके कि अभी तक आपकी कैसी प्रिपरेशन है आप या कहां स्टैंड करते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ऐप को आज ही डाउनलोड कर लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम ऑनलाइन भी तैयारी कराते हैं या किस तरीके का हमारा ये कोचिंग है। आप गूगल क्रोम पर www.geometryschool.in URL लिंक करके भी सीधा यहाँ पर वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेल वॉल ऑफ विच ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। बच्चों, आज की सीरीज में जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो ये है कि आज मैं आपको RMS और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें कराऊंगी। इसमें कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल न्यू है, कुछ जो अभी एग्जाम हुआ है RMS का ऑन 18 दिसंबर और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का 8 जनवरी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहां देखने को मिलेंगे जो उसमें पूछे गए थे, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट वाइज पूछे गए हैं कि अगर आपने टॉपिक को पूरा नहीं भी पढ़ा है, पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ रखा, लेकिन उसके कुछ टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स को हिट कर सकेंगे। तो देखते हैं, चलिए आगे वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं पहला क्वेश्चन। सेल वॉल ऑफ विच ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इनमें से किसका सेल वॉल जो है सेल्यूलोज का नहीं बना है? तो आपको पता है सेल वॉल बेसिकली किसमें होती है? प्लांट सेल में और मोनरा किंगडम के बैक्टीरियाज में, उनमें सेल वॉल पाई जाती है। बट क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सेल वॉल तो है बट सेल्यूलोज का नहीं बना हुआ, तो किसमें नहीं होती है सेल्यूलोज? बैक्टीरिया, मैंगो ट्री, कैक्टस या बोथ ANC, इनमें नहीं होती है। तो अगर हम बात करें, मैंगो और कैक्टस दोनों ही आपके क्या है? प्लांट सेल, और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, वो भी किसका? अलोंग चेन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज सेल्यूलोज। लेकिन अगर बैक्टीरिया की बात करें तो इनके पास सेल होता है लेकिन किसका बना? पेप्टिडोग्लाइकेन का। किसका बना हुआ होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। तो किसका सेल्यूलोज नहीं है इसमें? सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं है, मैंगो ट्री और कैक्टस में। तो यहाँ पर हमारा सेल्यूलोज किसमें हो गया? प्लांट सेल हो गई, यहाँ पर सेल्यूलोज हुआ हमारा प्लांट सेल में, लेकिन बैक्टीरिया का किसका बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ए ऑप्शन हो गया यहाँ पर करेक्ट, क्योंकि नोट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेमा नेशनल पार्क सिचुएटेड इन पंचमराही बायोस्फेयर रिजर्व फ्रॉम द फॉलोइंग।
बेसिकली जो आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो है मध्य प्रदेश के सतपुरा रेंजेस में। तो इसमें एक कंप्लीट बायोस्फीयर रिजर्व है जहां पर कल्चर हैबिटेट कहीं का भी और वाइल्ड लाइफ की फ्लोरा फोना को सेव किया जाता है। तो ये सतपुरा रेंजेस में आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें फिर आपका एक नेशनल पार्क है और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ पर इस बार इन्होंने ये एनसीईआरटी की बुक से बिल्कुल बीच से क्वेश्चन उठा के दिया है। तो एक यहाँ पर नेशनल पार्क है और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो नेशनल पार्क तो यहाँ पर पूछा गया है, तो नेशनल पार्क यहाँ पर कौन सा है, सतपुरा नेशनल पार्क, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके अंदर, कौन सी, बोरी एंड पचमराही। तो बिल्कुल इन्होंने, अगर आप इस बुक को एनसीईआरटी बुक को देखेंगे तो बिल्कुल इन्होंने बीच से क्वेश्चन उठाया है। तो पूछा है हमसे कि यहाँ पर पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क है, वो कौन सा है, सतपुरा नेशनल पार्क। तो ए इज द करेक्ट आंसर। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट टेक प्लेस इन, तो बच्चों ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में भी बता चुकी थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है और उस फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि ऐसे भी आ सकता है, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है गैमिट फॉर्मेशन के बाद, इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन ये होता कहाँ है, तो ये फीमेल बॉडी के किस में होता है, फेलोपियन ट्यूब्स में। अगर आपको फेलोपियन ट्यूब्स नेम नहीं भी दिया तो इसका नेम ओविडक्ट भी आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर फीमेल की ओवरीज होती हैं, उनमें से जो है क्या ओवा सिक्रीट होते हैं, यहाँ पर तो फ्यूजन कहाँ हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है। लेकिन उसके बाद एम्ब्रियो आता है इम्प्लांट होने के लिए यूट्रस में, क्योंकि डेवलपमेंट फिर कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट इसे कहेंगे। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में आया है, लाइट है, लाइट चैप्टर से, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन से। यहाँ पर आपको दे दिए हैं कुछ प्रोसेस या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी दे दी है सामने मैचिंग। तो अगर आपको इनमें से एक दो भी अच्छे से पता है तो आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा के मैचिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में तो पता ही होगा बच्चों, अगर आपने इस चैप्टर में पढ़ा भी है। तो ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है, लुइस ब्रेल ने इसको इन्वेंट किया था किसके लिए, जो विजुअली ब्लाइंड पीपल होते हैं, देख नहीं सकते। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें हमारी 63 डॉट्स होती है मोटी मोटी, जिनके थ्रू यहाँ पर हम अल्फाबेट सीखते हैं, फिर इसी के थ्रू लैंग्वेज आती है इंग्लिश कोई भी। तो यहाँ पर ब्रेल स्क्रिप्ट किसके लिए, रिसोर्स फॉर विजुअली ब्लाइंड। तो अब हम श्योर हो गए कि जिसमें ए का ऑप्शन है 3 वो हमारा करेक्ट है। तो ए का ऑप्शन किस में जा रहा है, 3, अभी तक तो एक में ही है, तो ये तो ओरिजी हो गया। साथ में एक दो और देख लेते हैं। क्लेडियोस्कोप क्या होता है, क्लेडियोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है और जो क्या करता है, ब्यूटीफुल पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। तो बी का हो गया यहाँ पर 4, ये भी आपको क्लियर हो गया। डिस्पर्जन क्या है, डिस्पर्जन एक नेचुरल फिनोमेना है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना इंटू 7 कलर। तो यहाँ पर सी का हो गया है 1। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जैसे आपकी मिरर इमेजेस होती है, मतलब कि लेफ्ट आपको राइट अपीयर होता है, राइट आपको लेफ्ट अपीयर होता है। तो लेटरल इन्वर्जन क्या है, लेफ्ट ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी राइट। तो डी हो गया आपका 2। और इससे अगर आपको एक पता था तो इसमें देखो कि ऑप्शन भी कितने इजीली लगाए थे कि अगर एक भी पता है तो भी आप कर पा रहे हो, क्योंकि ए का 3 एक में ही दिया हुआ था, तो कंफ्यूजन के चांसेस ही खत्म हो गए। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अ टॉय कार रिलीज विद द सेम इनिशियल स्पीड विल ट्रेवल फार्देस्ट ऑन, एक टॉय कार है उसको रिलीज किया गया एक सरफेस पर एक इनिशियल स्पीड, मतलब कि सबकी इनिशियल स्पीड सेम थी, तो किस सरफेस पर वो सबसे दूर जाएगी, मिट्टी वाले सरफेस, मडी सरफेस पर, पॉलिश सरफेस पर, सीमेंटेड या ब्रिक। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन या सबसे कम फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, मतलब फ्रिक्शन क्या है, जो फोर्स को, जो मोशन को क्या करता है, सॉरी फोर्स नहीं, जो मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो ये एक तरह का फोर्स है जो मोशन को रोकता है। तो जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना कम ट्रेवल करेगी। तो मडी सरफेस पर भी रफ होगा, सीमेंट में भी थोड़े से मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं रफ होते हैं, ब्रिक वाला सिस्टम होगा तो बिल्कुल ही रफ होगा, लेकिन पॉलिश सरफेस पे क्या होगा, गाड़ी तेजी से जाएगी। और हमसे सब पूछा है कि सबसे तेज कहां पर जाएगी, फार्देस्ट, दूर कहां पहुंचेगी सबसे ज्यादा, फार मतलब दूर, तो पॉलिश सरफेस पर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज गैसेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता ही है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इंक्रीज इन आवर टेम्परेचर, जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो होती है ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द सेवरल फिनोमिनाज और द पोल्यूशन ऑफ एयर। तो यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है मेन गैसेज वो क्या है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर। यस, ये तीनों ही क्या है, मेन रेस्पॉन्सिबल गैस है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ग्रीन हाउस गैसेस भी कहलाती हैं। ए इज द करेक्ट आंसर।
शूटिंग स्टार्स आर कोल्ड, बेसिकली ये स्टार्स नहीं होते, इन्हें टूटता हुआ तारा आपने सुना होगा कि अर्थ के जब हमारे सन के पास और ये सन के ऑर्बिट में यहाँ पर कुछ यहाँ पर हेवनली बॉडीज आ जाती हैं जो सन की वजह से फ्रिक्शन की वजह से बर्न हो जाती है और टेल लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आती है, अर्थ तक भी इनका कुछ पार्ट पहुंच जाता है जिसको हम मेटेरॉइड बोलते हैं बर्न होने के बाद, जिसकी वजह से कुछ लेक भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये शूटिंग स्टार्स बेसिकली होते क्या है, दीज आर द मेटियोर्स, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सोइंग द सीड मैनुअली, हैंड से सीड को लगाना, मैनुअली लगाना क्या कहलाता है, प्लोइंग करना, नो, ट्रांसप्लांट करना, ट्रांसप्लांटेशन तो राइस की क्रॉपिंग को जैसे हम एक जगह नर्सरी से लाके फिर डायरेक्ट प्लांटिंग करते हैं उसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। सीड ड्रिल हम फनल के थ्रू मशीन से करते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग एक मेथड है जिसको मैनुअली मींस हैंड से ही आप सीड को जब स्प्रिंकल करके लगाते हो, दिस मेथड इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग, तो सी इज द करेक्ट आंसर। द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय, मैंने आपको बताया था एक हॉर्मोन होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। वो हॉर्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है या कौन उसको कंट्रोल करता है, पैंक्रियाज, थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड, एड्रेनल। तो आपको पता है पैंक्रियाज इज योर एक्सोक्राइन एज वेल एज योर एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो, ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन क्यों, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है, और एंडोक्राइन किस लिए, क्योंकि ये ब्लड में अपना हार्मोन भी सिक्रीट करती है, और वो कौन सा हार्मोन है, दैट इज पेंक्रियास की सेल होती है जिनका नाम है स्लेट ऑफ लैंगरहैंस, जिनमें से क्या सिक्रीट होता है, एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है इंसुलिन, और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। तो कौन कंट्रोल करेगा यहाँ पर इसको, पेंक्रियास, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सेल चैप्टर से भी इसी तरह एक क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर भी आपको मैचिंग करनी है, ये आपकी ऑर्गेनली हो गई इधर और ये हो गई आपके इनके फंक्शन, तो आपको इनके फंक्शन को पहचानना है। तो बात करते हैं न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस क्या करता है, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटी, यू नो दैट न्यूक्लियस इज द ब्रेन, ये ही सारा जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफर करता है फर्स्ट जनरेशन टू अनदर, सारे प्रोटीन कितना बनना है क्या बनना है सब न्यूक्लियस डिसाइड करता है। तो यहाँ पर ए के लिए क्या हो गया, टू, और देख लीजिए ए के लिए टू सिर्फ एक में ही है, लेकिन एक दो चेक कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इट प्रोवाइड शेप, प्रोटेक्शन एंड शेप, हमारी सेल को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर बी का हो गया बिल्कुल फोर, तो ये भी करेक्ट जा रहा है। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम करते हैं कैरेक्टर्स को ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, इन्हीं पर ही हमारे क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, तो सी का थ्री। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर का एक लिक्विड मटेरियल जिसमें सारी ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड होती है, तो डी का हो गया वन, तो यहाँ पर ये यह ऑप्शन जा रहा है बिल्कुल करेक्ट, तो ए इज द करेक्ट आंसर। द रोल ऑफ नाइट्रोबैक्टर इन नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजन साइकिल आपने सुना होगा फाइव फेजेस में कंप्लीट होती है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में। तो नाइट्रोबैक्टर यहाँ पर क्या है, नाइट्रोबैक्टर आर द बैक्टीरियाज दैट आर द ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं और नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट में। तो यहाँ पर इसका फंक्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे हॉस्टल फैसिलिटी में, तो ये हमारे बैचेस हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन, जैसे कि आपका आरआईएमसी बैच है, टारगेट आरआईएमसी के लिए टारगेट बैच, सफलता बैच फॉर आरएमएस, कर्तव्य बैच फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। स्टूडेंट 25 सीट है यहाँ पर, सफलता बैच और एआईएससी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें तो आपके पूरा टाइम है, अभी साल भर आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आरआईएमसी का एग्जाम का फॉर्म आ चुके हैं, तो इसलिए इसकी तैयारी का तो बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है, क्योंकि 3 जून को तो इसका एग्जाम ही होने वाला है, 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, तो जल्दी से फॉर्म मंगा लीजिए अपना पोस्ट से, और यहाँ पर इसकी तैयारी हमारे स्कूल में स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप भी यहाँ पर आरआईएमसी को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जल्दी से एक बार ज्योमेट्री हॉस्टल को विजिट करें, अदरवाइज आप हमारी लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, जिसमें आप अपना डेमो बुक कर सकते हैं और आपको अच्छा लगे उसके बाद आप कोर्स अवेल कर सकते हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज इज द सिल्कवर्म इमेज फ्रॉम, आपको पता है कि सिल्कवर्म में भी क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस के दौरान सिल्कवर्म किसमें से निकल के आता है, लार्वा, प्यूपा, टेडपोल या ककून। तो आपको पता है जब आप सिल्कवर्म से सिल्क ऑब्टेन करते हैं तो एक ककून की फॉर्म में करते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें से फिर ककून को ले लिया जाता है, इस थ्रेड को ले लिया जाता है फॉर सिल्क फॉर्मेशन, और अंदर से इसमें से सिल्क मोथ निकल के चला जाता है, या सिल्क वर्म जिसको बोलते हैं। तो ककून हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर।
70 to 80% ऑफ द मेच्योर प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड. मैंने आपको बताया था प्लांट सेल में एक ब्लैंक लुकिंग सरफेस होता है जो सेल का 70 to 80% होता है. लास्ट वीडियो में हम इसको कवर कर चुके हैं और आई होप इसका आंसर आपको पता होगा. मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके कितने आंसर्स ऑलरेडी करेक्ट है और ये वीडियो आपके लिए कितनी वैल्यूएबल या फ्रूटफुल होने वाली है. तो जो लार्ज ब्लैंक लुकिंग सरफेस होता है प्लांट सेल में ज्यादा होता है और उसको क्या कहते हैं, वैक्यूल. बी इज द करेक्ट आंसर. अंकुश हैज एंटर्ड हिज एडोलसेंस ईयर. ही विशेस टू नो व्हाट शुड बी ईटन टू रिमेन हेल्दी. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फूड शुड ही कंज्यूम टू फिट एंड हेल्दी. एडोलसेंस एज में आपके इमोशनल, फिजिकली, मेंटली बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो आप किस तरह का फूड यहां पर ले सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा. किस तरह के फूड को लेने से आपके एडोलसेंस ईयर बिल्कुल हेल्दी रहेंगे. मिल्क, राइस, दाल, लीफी वेजिटेबल. बहुत ही सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया गया है. तो यहां पर हम बात करें तो आपको क्या, मिल्क, राइस, दाल या लीफी वेजिटेबल, तो सारे ही क्या है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. और एडोलसेंस एज में ये मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपकी बॉडी मेकअप, क्योंकि उस समय एडोलसेंस एज में बहुत सारे हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं. तो यहाँ पर उन हॉर्मोनल चेंजेस के दौरान हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो हमें एक हेल्दी, फाइबरस रिच फूड लेना चाहिए. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं. चिप्स, बर्गर अनहेल्दी होते हैं. इसी तरह यहाँ पर फ्राइड स्नैक्स आ गया, यहाँ पर बर्गर और चिप्स आ गया, तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही था. तो ए इज द करेक्ट आंसर. वन हर्ट्स इज इक्वल टू, तो वन हर्ट्स क्या है, हर्ट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट. और वन हर्ट्स कितना होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड. तो अगर आप इसको डिफाइन भी करते हैं तो वन हर्ट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड. तो यहां पर हम बात करें वन मिनट में आपके कितने सेकंड होते हैं, 60 seconds. तो यहां पर कितना हो जाएगा, 60 vibrations पर मिनट. अगर हम देखते हैं तो 60 vibration पर मिनट, तो 60 is to 61. तो यहां पर वन हर्ट्स कितना हो जाएगा, एक तो 60 vibration अगर पर मिनट होती है तो हमारा क्या हो जाता है, 1 hertz. तो सी इज द करेक्ट आंसर. एनिमल सेल इन विच न्यूक्लियस इज एबसेंट वुड ऑल्सो लैक. अगर एक एनिमल सेल है और उसमें न्यूक्लियस ही एबसेंट है तो इट मीन्स उसमें और क्या नहीं होगा, क्रोमोसोम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो अगर आप बात करेंगे सेल की तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आउटर स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म ये स्ट्रक्चर होता है और न्यूक्लियस से जुड़े हुए होते हैं, फिर हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उन पर होते हैं राइबोसोम्स. तो लेकिन ये तो सब अलग स्ट्रक्चर हो गए, लेकिन अगर न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो उसके अंदर के क्रोमोसोम भी नहीं होंगे. तो क्या और एबसेंट हो जाएगा अगर न्यूक्लियस नहीं होगा, तो ए क्रोमोसोम्स. ह्यूमन ईयर्स आर सेंसरी ऑर्गन्स. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साउंड चैप्टर से पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है, वरना क्या होता है हमेशा एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को लेके क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार सैनिक में ये क्वेश्चन दिया गया है, ऑल इंडिया सैनिक में. तो देखिए बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको ईयर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. ह्यूमन ईयर्स क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन है जो हमें साउंड हियर करने में मदद करते हैं. इट्स आउटर पोर्शन कैन बी सीन. इनके आउटर पोर्शन को आप देख सकते हो, दिस पोर्शन. द रेस्ट ऑफ द डेलिकेट ईयर आर ब्यूरिड इन साइड द स्कल. लेकिन और जो है पोर्शन वो हमारे स्कल के अंदर होते हैं. तो आपको एक करेक्ट सीक्वेंस पता लगानी है, आउटर ईयर टू द इनर ईयर. तो अब आपको इस तरीके से देखना है, तो सबसे मेन है यहाँ पर आउटर ईयर, और आउटर ईयर को क्या कहा जाता है, ओरिकल और पिन्ना. तो जो पोर्शन आपका विजिबल है उसको हम क्या कहते हैं, आउटर ईयर और पिन्ना या ओरिकल. तो सबसे मेन तो सबसे ऊपर कौन आ जाएगा, पिन्ना. लेकिन जिस बच्चे को ओरिकल या पिन्ना दोनों ही नेम पता है वो इसको चूज कर पाएगा. तो सबसे पहले हमारा आ गया सी, और देखिए ऑप्शन वापस से कितना इजी बनाया हुआ है, सी इसमें एक जगह फिर नहीं है. इसके बाद शुरू हो जाती है आपकी क्या, यहाँ पर ईयर ट्यूब, तो फिर आ जाती है आपकी ईयर ट्यूब, तो आपका हो गया डी. इसी के बाद आ जाता है फिर आपका ईयर ड्रम, ईयर ड्रम जिस पर आपकी तीन बोन्स अरेंज होती है, इनकस, मैलस और स्टेपीज. तो थ्री बोन्स होती है यहाँ पर. फिर आ गया आपका ईयर ड्रम. ईयर ड्रम के बाद शुरू हो जाता है आपका इनर ईयर, जिसमें आपकी सेमी सर्कुलर रिंग्स होती है फॉर बैलेंसिंग ऑफ योर बॉडी, क्योंकि ईयर हमारी बॉडी को बैलेंसिंग करने में भी हेल्प करता है. फिर होती है आपकी ऑडिटरी नर्व, जो कहां तक जाती है, आपके ब्रेन तक जाती है. तो फिर आ गया आपका ये. सबसे मेन है आपको पता होना चाहिए पिन्ना, और पिन्ना को ओरिकल भी कहा जाता है. तो आउटर ईयर से इनर ईयर के पार्ट इस तरीके से हो गए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया.
लीविंग द एग्रीकल्चर लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन इज नोन एज, एक से ज्यादा सीजन के लिए अपनी एग्रीकल्चर या लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाए, ये हम क्यों करते हैं, जिससे कि उसमें वापस से न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश हो सके, तो फॉर द रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ आपकी क्रॉप की अच्छी हो। तो इस वाले किसी भी लैंड को लीव छोड़ देना, खाली छोड़ देना क्या कहलाता है, फील्ड फेलोइंग। तो यहां पर ऑप्शन हो गया डी, फील्ड फेलोइंग। Once a person is infected with smallpox, he does not suffer from it again as its body contain. आपको immunization और vaccination आपने पढ़ा होगा microorganism chapter में, तो वहां पर जब हमारी body को immunized कर दिया जाता है किसी भी चीज से, तो हमारी body में vaccine जाने पर हमारी body क्या हो जाती है, antibodies बना लेती है। तो कोई भी infection अगर आपको एक बार हो जाता है तो उसकी body उससे के लिए हमारी body में कुछ fighters generate हो जाते हैं, और वो फाइटर्स कैसे होते हैं, मेमोराइज बेस्ड होते हैं, उनके पास होती है मेमोरी। एक बार वो जिस एंटीजन को पहचान लेते हैं, जैसे मेमोरी बी सेल्स होती है, उन्होंने एंटीजन को पहचान लिया फिर वो उसको भूलती नहीं है। तो हमारी बॉडी में क्या जनरेट हो जाती है किसी भी चीज से इन्फेक्ट होने के बाद, एंटीबॉडीज, फाइटर्स बन जाते हैं। तो अगर एक बार आपको स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो लाइफ में दोबारा नहीं होता, क्योंकि उसके सीरम से आपकी बॉडी में क्या हो चुके हैं, एंटीबॉडी बन चुकी है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। फ्यूमिगेशन हेल्प इन मैन्योरिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन वीडिंग हार्वेस्टिंग। फ्यूमिगेशन बेसिकली एक केमिकल मेथड ही है जिसमें आप क्या करते हैं, वीड्स को किल करते हैं बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। तो वीडिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनडिजायरेबल प्लांट्स एंड दोज प्लांट्स आर नोन एज वीड्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। बच्चों अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या फर्क होता है। दीज आर योर डक्ट ग्लैंड एंड एंडोक्राइन आर योर डक्टलेस ग्लैंड। जैसे मैंने अभी बताया था एंडोक्राइन आपकी पेंक्रियाज, जैसे एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी है। तो डक्टलेस जो अपना हॉर्मोन सिक्रीट करती है डायरेक्ट ब्लड में, जिनके पास अपनी पर्टिकुलर डक्ट नहीं होती है, डक्ट की बात करें तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो आपको यहाँ पर कुछ ग्लैंड दी गई है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो कुछ फ्लूइड सिक्रीट करती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो हॉर्मोन सिक्रीट करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आपने रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने वहां पर थायरॉइड ग्लैंड भी पढ़ी होगी जो थायरोक्सिन हॉर्मोन सिक्रीट करती है, एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलाइन हॉर्मोन सिक्रीट करती है जिसको स्ट्रेस हॉर्मोन भी कहा जाता है, ओवरी फीमेल में ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, टेस्टिस मेल में टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती है, और ये सारे ही क्या है, दीज आर द हॉर्मोन्स। लेकिन सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होती है, पेयर ऑफ थ्री ग्लैंड्स दैट सिक्रीट द सलाइवा फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, और ये अपना सिक्रीशन एक डक्ट में प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपकी बक्कल कैविटी माउथ में सिक्रीट होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड एक फ्लूड सिक्रीट करती है, एक लिक्विड फ्लूड जिसको सलाइवा बोलते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपसे पूछिए एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, क्योंकि ये तीनों हॉर्मोन सिक्रीट कर रही है तो ये आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ए हो गया हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन। द सब्सटेंस हैविंग हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। लास्ट वीडियोज में हमने पढ़ा था हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग द 1 kg ऑफ आइडल फ्यूल। 1 kg फ्यूल को बर्न करने पर जितना अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। तो सबसे ज्यादा हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होगी, तो आपको पता है सन से सबसे ज्यादा एनर्जी आती है, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट रिएक्शन चल रही होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें हाइड्रोजन कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होता रहता है हीलियम में। तो सबसे ज्यादा एनर्जी भी कौन सा फ्यूल प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन। तो ए हो गया यहां पर करेक्ट आंसर। प्योर वाटर इज अ डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर मीन्स मतलब कि डिस्टिल्ड वाटर भी आप इसको बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में प्योर वाटर नहीं आया, डिस्टिल्ड आ गया, तो भी सेम ही बात है, जिसमें से सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव कर दिया हो। तो जिनमें से सभी इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव कर दिया जाएगा तो वहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि वहां पर चार्ज ही नहीं होंगे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर से करंट पास नहीं होता है, तो वो इंसुलेटर भी कह सकते हैं उसको, और बैड कंडक्टर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। What is the name of instrument which is used to measure the determine the atmospheric pressure? Pressure chapter से बहुत simple question है। Atmospheric pressure को नापने के लिए कौन सा instrument use किया जाता है? Barometer। बहुत ही simple GK का question इस बार बना दिया है इस chapter से। तो barometer वो device है जो use किया जाता है for measure the atmospheric pressure। A is the correct answer। Which of the following is not a common property of plastic? Plastics की बहुत सारे applications है जिसकी वजह से हम इसे अपनी daily life में use करते हैं। तो यहाँ पर जो प्लास्टिक है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, नॉन रिएक्टिव भी होती है, इसलिए हमारे किचन के मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस प्लास्टिक के होते हैं, लाइट इन वेट है, ड्यूरेबल भी है, लंबा चलती है, लेकिन दीज आर नॉट द गुड कंडक्टर, दीज आर द बैड कंडक्टर। इसीलिए जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं उनके हैंडल्स हम किसके बनाते हैं, प्लास्टिक के बनाते हैं, क्योंकि ये अपने में से ना तो हीट पास कर सकते हैं ना ही करंट पास कर सकती है। तो हमसे नॉट पूछा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर।
द स्पेरिकल मिरर विद अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, वो स्पेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ होता है, तो वो होते हैं हमारे कॉनकेव, लाइक अ केव, तो इनका नाम क्या हो जाता है, कॉनकेव, जैसे कि केव हो, तो जिनका अंदर की तरफ होता है दे आर द कॉनकेव, और जिनका रिफ्लेक्टिव सरफेस आउटवर्ड होता है दे आर द कॉनवेक्स, जैसे कि ये स्टील स्पून का पीछे वाला पार्ट और ये वाला अंदर वाला पार्ट, तो कॉनकेव मिरर बी इज द करेक्ट आंसर. ऑन विच ऑफ द प्लास्टिक ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, आपने किचन में देखा होगा जिस पर आप डोसा भी बनाते हैं उस तवे के ऊपर यहाँ पर एक लेयरिंग होती है किसी चीज की जिस पर ऑयल वाटर या कोई भी फूड स्टफ चिपकता नहीं है, तो वो क्या होती है कवरिंग, दैट इज नोन एज टेफ्लॉन कवरिंग. तो जो हमारे यूटेंसिल टेफ्लॉन कवरिंग के फ्लाइंग पैन आते हैं, साथ ही हमारा तवा जिस तरह का होता है, कढ़ाई आती है जिनको हम नॉन स्टिक बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन वो नॉन स्टिक क्यों है, क्योंकि उनके ऊपर एक कवरिंग है जिसको टेफ्लॉन कवरिंग कहा जाता है. तो थ्री इज द करेक्ट आंसर. सॉर्टर डिजीज इज एसोसिएटेड विद, बेसिकली सॉर्टर डिजीज किनको हो जाती है, ये बेसिकली आपको मिलती है शीप में और गोट में, कैटल्स में ये बेसिकली देखने को मिलती है, जिससे कि आप वूल ऑब्टेंड करते हो, तो ये एक बैक्टीरिया से होती है जिसको कहते हैं एंथ्रेक्स, वो इनको अफेक्ट करता है. और सॉर्टर डिजीज वो डिजीज होती है जो फिर ह्यूमंस में फैल जाती है इनकी वजह से जो वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं. तो बी इज द करेक्ट आंसर. एक सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेंड किए जाते हैं बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजन, मींस पेट्रोलियम ओरिजन के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनसे हम कुछ सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, तो वो सिंथेटिक फाइबर फिर किस कैटेगरी में आते हैं, पेट्रो प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल्स, सिंथेटिक पेट्रोकेमिकल, तो उन्हें बेसिकली कहा जाता है पेट्रोकेमिकल्स. तो पेट्रोलियम ओरिजन से ऑब्टेंड होने वाले सिंथेटिक फाइबर आर नोन एज पेट्रोकेमिकल्स. तो टू ऑप्शन यहाँ पर हो गया बिल्कुल करेक्ट. Which of the following material is a mixture of two fiber? दो फाइबर को मिलकर बनाया जाता है, जैसे दो फाइबर को आपको मिला के बना दे पॉलीस्टर प्लस कॉटन तो बन गया पॉलीकॉट, तो इसी तरह पॉलीस्टर प्लस वूल तो मिल गया क्या पॉलीवूल, तो ये क्या है दो फाइबर से मिलकर बना है, तो यहां पर थ्री ऑप्शन हो गया बिल्कुल करेक्ट. स्पर्म क्या है, स्पर्म एक हम बात करें तो ये एक मेल गैमीट है जिसमें एक हेड होता है, एक मिडिल पीस होता है, हेड होता है साथ ही फिर नेक होता है और एक मिडिल पीस जिसमें न्यूक्लियस होता है और टेल होती है फॉर द मूविंग, तो ये एक सिंगल सेल है क्योंकि ओवा और जो स्पर्म है वो हमारी कैसे है हैप्लोइड सेल है दोनों ही, और इन्हें सिंगल सेल कहा जाता है जो मिलकर फिर एक डिप्लोइड सेल बनाते हैं जाइगोट जिसको कहा जाता है. तो हैप्लोइड हैप्लोइड मिलकर दो डिप्लोइड सेल बनाते हैं, लाइक एनफॉर्म का स्पर्म एनफॉर्म ओवा दोनों मिलकर हैप्लोइड सेल बना डिप्लोइड सेल बनाएंगे जिस डिप्लोइड सेल को जाइगोट कहा जाता है. तो ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेल्युलर सेल कहेंगे हम इनको. बी इज द करेक्ट आंसर और स्पर्म्स आर द मेल गैमीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड. मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारा अच्छे से बताया था, मेल और फीमेल गैमिट स्पर्म और ओवा मिलके जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट में फिर फर्दर डिवीजन होता है तो वो एम्ब्रियो बन जाता है और एम्ब्रियो के बाद कन्वर्ट हो जाता है फीटस में. तो जिस स्टेज पर आप सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे हेयर और हेड बनने स्टार्ट हो जाते हैं प्रेगनेंसी में सबसे पहले, तो इस वाली स्टेज को जब अल्ट्रासाउंड से देखते हैं तो वो क्या कहलाता है फीटस, और जब बर्थ हो जाता है तो इन्फेंट. अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड विच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन, तो पर्टिकुलर हमारी बॉडी में ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स होता है जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, वो सिस्टम क्या कहलाता है एंडोक्राइन सिस्टम. कंप्लीट सिस्टम होता है बॉडी का, जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस हो गया, थायराइड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गई है, तो ये हमारी सब हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. If you burn 1 kg of fuel is an efficient system, you will get maximum. अभी हमने डिस्कस किया था अगर 1 kg of fuel में बर्न करूं तो सबसे ज्यादा हीट कौन प्रोड्यूस करेगा इनमें से, सबसे ज्यादा हीट आएगी यहाँ पर हाइड्रोजन से, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी, तो हीट भी सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन, वन ऑप्शन हो गया करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम फोर्स एक्ट ऑन अ फोर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, फोर डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उन पर सेम अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया गया है वन बाय वन, तो किस केस में सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर का रिलेशन मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी थी, प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट एरिया, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा और जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा. तो अगर आपकी कोई ब्रिक इस तरह से रखी है इस तरह से, तो जितना कम वो एरिया ले रही है तो क्या होगा उतना ज्यादा वो प्रेशर डालेगी. तो इन विच केस द प्रेशर एक्सर्टेड, तो सबसे ज्यादा प्रेशर मैक्सिमम पूछा है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कब होगा जब एरिया बिल्कुल कम होगा. अगर आप एरिया बढ़ा देते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा ऑलरेडी कम हो जाएगा, तो क्योंकि प्रेशर क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा. तो किस केस में प्रेशर सबसे ज्यादा पड़ेगा 10 meter square के एरिया में, तो डी ऑप्शन यहां पर हो गया बिल्कुल करेक्ट.
सो स्टूडेंट दीज वर योर टूडेज 35 क्वेश्चन. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दें और बताएं कि तीनों ही वीडियो से आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई और आज आपने कितने मार्क्स स्कोर किए. चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम इसके आंसर की आपको सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे आपके एग्जाम की. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू सून विद द आंसर कीज. बाय बाय.